नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस को हिंदी में अधिक पसीना आना बोलते हैं। जब आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है बिना किसी कारण से, बिना किसी मेहनत करे, गर्मी भी नहीं है, तो उस समय अगर भी आपको पसीना आ रहा है लगातार, तो इस कंडीशन को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस होने का वैसे तो बहुत सारा कारण हो सकता है, जिनमें से एक कारण होता है आनुवंशिक। आनुवंशिक कारणों से आपको जो हाइपरहाइड्रोसिस है इसकी समस्या हो सकती है। साथ साथ दो कारण और होते हैं, जिनमें पहला है प्राइमरी फोकल हाइपरहाइड्रोसिस। प्राइमरी फोकल हाइपरहाइड्रोसिस में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जिम कर रहा है या बहुत अधिक मेहनत कर रहा है, तो उस समय जो हमारे बॉडी में नर्व्स होता है वो हमारे स्किन में स्थित स्वेट ग्लैंड को निर्देश देता है तरल पदार्थ का सिक्रीशन करने के लिए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नर्व है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अनियमित रूप से सिग्नल देता रहता है स्वेट ग्लैंड्स को कि आप जो है तरल पदार्थ का सिक्रेशन करते रहो, और इसी वजह से आपको पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आता रहता है। यही कारण है। तो ये जो परेशानी है ये हो सकता है और इलाज के बाद में ये सही हो जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। इसमें क्लिनिकल कंडीशन होता है, कई प्रकार की बीमारी, जैसे डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो सकता है, हार्ट अटैक आदि की वजह से हो सकता है, किडनी से संबंधित कोई खतरनाक बीमारी की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, साथ साथ अन्य सीवियर इन्फेक्शन के कारण से भी आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है। तो ये सब कारण हो सकता है हाइपरहाइड्रोसिस होने का। इसके लक्षण के आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हाइपरहाइड्रोसिस की शिकायत है? पसीना तो आना आम बात है। देखिए, जब आपको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, बिना कोई मेहनत करे, गर्मी भी नहीं है, तो इसके बावजूद भी अगर आपको पसीना आ रहा है तो ये हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। हाइपरहाइड्रोसिस से दिक्कत क्या क्या हो सकती है? देखिए, हाइपरहाइड्रोसिस से बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन इससे आपके बॉडी पर बदबू आ सकती है, जिसकी वजह से लोग आपसे किनारा कर सकते हैं। आपको भी जब बदबू आएगी, लोग आपसे बचेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। आप धीरे धीरे हीन भावना से ग्रसित होने लगोगे, आपके प्रति अनादर होगा और आपको धीरे धीरे डर और शर्म की अनुभूति होगी। तो ये परेशानी तो होती ही है हाइपरहाइड्रोसिस से। तो इसके लिए क्या क्या टेस्ट आदि हो सकता है जिसको कराने से आपको पता चले कि आपको हाइपरहाइड्रोसिस है कि नहीं? इसके लिए कई प्रकार के ब्लड टेस्ट हो सकता है, आपका थायराइड का टेस्ट हो सकता है, साथ साथ आयोडीन स्टार टेस्ट हो सकता है, आप स्किन कॉन्डक्टेंस टेस्ट हो सकता है, थर्मोरेगुलेटरी स्वेट टेस्ट, यूरिन टेस्ट आदि हो सकता है। डॉक्टर ये सब डायग्नोसिस आपका कर सकते हैं, साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी आपका करेंगे डॉक्टर, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष में पहुंचेंगे, उसके बाद में आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं? देखिए, इसके लिए डॉक्टर कई प्रकार के थेरेपी और सर्जरी भी कर सकते हैं, साथ साथ आपको खाने की दवाई भी दे सकते हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं, साथ साथ एल्युमिनियम क्लोराइड युक्त एंटीपर्स्पिरेंट का यूज भी डॉक्टर कर सकते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट पाउडर, लिक्विड, लोशन, क्रीम आदि हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करने से जो स्वेट ग्लैंड से वो जो अतिरिक्त स्वेट का जो सिक्रेशन है, अतिरिक्त तरल का जो सिक्रेशन है वो करना बंद कर देगा। साथ साथ कई प्रकार के जो मेडिसिन खाने का और जो इंजेक्शन है उसको लगाने से जो हमारे नर्व्स है, जो कि अतिरिक्त सिग्नल देता रहता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, लगातार सिग्नल भेजता रहता है स्वेट ग्लैंड को, तो उस सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये बीमारी कुछ समय के लिए सही हो जाती है।
अगर इससे भी बीमारी सही नहीं हो रही है तो डॉक्टर आपको सर्जरी कराने का सलाह दे सकते हैं। तो बिना किसी कारण के, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के, बिना गर्मी के भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है तो ये जो परेशानी है ये हाइपरहाइड्रोसिस की परेशानी होती है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो कि मैंने बता दिया है आपको, और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी बता दिया है। इसके बारे में जो जानकारी मैंने दिए है आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।